नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अब तक ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस से जूझ रहे पटना में व्हाइट फंगस के मरीज मिलने से अफरा तफरी मच गई है। ब्लैक फंगस से ज्यादा घातक मानी जाने वाली इस बीमारी के 4 मरीज पिछले कुछ दिनों में मिले हैं। व्हाइट फंगस कैरिडोसिस फेफड़े के संक्रमण का मुख्य कारण है। फेफड़े के अलावा इसके नाखून, मुंह के अंदरूनी भाग, आमाशय और आंत, किडनी, गुप्तांग और ब्रेन आदि को भी संक्रमित करता है। पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल PMCH में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर SN सिंह के मुताबिक अब तक ऐसे 4 मरीज मिले जिनमें COVID-19 जैसे लक्षण थे, पर वे कोरोना नहीं बल्कि व्हाइट फंगस से संक्रमित थे। मरीजों में कोरोना के 3 टेस्ट रैपिड एंटीजन, रैपिड एंटीबॉडी और RT-PCR टेस्ट नेगेटिव थे। जांच होने पर सिर्फ एंटीफंगल दवाओं से ठीक हो जाए। इसमें पटना के चर्चित सर्जन भी हैं जिन्हें एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया था। जांच से पता चला कि वे व्हाइट फंगस से पीड़ित हैं। एंटीफंगल दवाओं के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल 95 पहुंच गया। व्हाइट फंगस से फेफड़ों के संक्रमण के लक्षण HRCT में कोरोना जैसे ही दिखते हैं। इसमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीजों में रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होता है। HRCT में कोरोना जैसे लक्षण थप्पे हों दिखने पर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और फंगस के लिए बलगम का कल्चर कराना चाहिए। कोरोना मरीज जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं उनके फेफड़ों को यह संक्रमित कर सकता है। व्हाइट फंगस के भी वही कारण हैं जो ब्लैक फंगस के हैं, जैसे प्रतिरोधक क्षमता की कमी, डायबिटीज, एंटीबायोटिक का सेवन या फिर स्टेरॉइड का लंबा सेवन। कैंसर के मरीज जो दवा पर हैं उन्हें यह जल्दी अपनी गिरफ्त में लेता है। नवजात में यह डायपर कैंडिडोसिस के रूप में होता है जिसमें क्रीम कलर के सफ़ेद धब्बे दिखते हैं। छोटे बच्चों में यह ओरल थ्रस्ट करता है। महिलाओं में यह ल्यूकेरिया का मुख्य कारण है। इधर पटना में ब्लैक फंगस के बुधवार को 19 मरीज सामने आए। एम्स में 8, IGIMS में 9 मरीज भर्ती हुए। IGIMS में बुधवार को 2 मरीज की सर्जरी की गई। यहां अब तक 7 मरीजों की सर्जरी हो चुकी है और अभी 5 मरीजों की सर्जरी होगी। ऐसे स्थिति में जो मरीज ऑक्सीजन के वेंटिलेटर पर हैं उनके ऑक्सीजन के वेंटिलेटर उपकरण, विशेषकर ट्यूब आदि जीवाणु मुक्त होना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर, ह्यूमिडिफायर, स्टेलाइज वाटर का प्रयोग करना चाहिए जो ऑक्सीजन मरीज के फेफड़े में जाए व फंगस से मुक्त हो। वैसे मरीज का रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्ट नेगेटिव हो और जिनके HRCT में कोरोना जैसे लक्षण हो उनका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए। साथ ही बलगम के फंगस कल्चर की जाँच भी करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।